हेलो एवरीवन अस्सलाम वालेकुम दिस इज सर पाशा एंड वी आर मूविंग ऑन फॉरवर्ड टुवर्ड्स मोर लेक्चर्स ऑन कैनमेटिक्स अच्छा पिछली लेक्चर में लेक्चर नंबर 11 में मैंने आपको इंटर कन्वर्जन सिखाए थे किस तरह वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं या उसका रेलेवेंट या उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन ग्राफ किस तरह से बनेगा अब जरा उसी से रेलेवेंट कुछ एमसीक्यूज हैं कुछ मजे मजे के पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं उनको जरा डिस्कस करते हैं ताकि हमारी वो वाली अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो सके जैसे आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं हमारे पास द ग्राफ शोज वेलोसिटी वी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन टाइम इक्वल जीरो कोई वैल्यूज नहीं दी हुई आपको बस आपको वेलोसिटी और टाइम का स्केच दिया हुआ है और ये आपको बता रहे हैं कि इस तरह से वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो रही है ठीक है आपको क्या बताना है आपको बताना है ग्राफ रिप्रेजेंट्स द द डिस्प्लेसमेंट एस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम टी 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 टू इक्वल कैपिटल तो आपको ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्केच बनाना है ठीक है जी तो आइए जरा देखते हैं कि ये स्केच किस तरह से बनाया जा सकता है भाई सीन्स कुछ ऐसे हैं कि सबसे पहला काम तो ये करना है कि आपने ना स्केचेस को चार हिस्सों में तोड़ लेना पहले देखते हैं ऑप्शन ए के बारे में कि क्या चल रहा है ठीक है देखिए अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ सिर्फ तो वेलोसिटी बढ़ रही है ठीक है अच्छा हमारे को बनाना कौन सा है हमारे को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ चाहिए ठीक है वेलोसिटी के बढ़ने का मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट बढ़ना चाहिए तो आप देख सकते हैं कि ग्रेडियंट बढ़ रहा है देखिए मैंने आपसे क्या बोला था मैंने आपसे कहा था वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के कन्वर्जन का रूल क्या है कि जब जब वेलोसिटी पॉजिटिव है तब तब डिस्प्लेसमेंट बढ़ना चाहिए तो वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है और क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है ना तो डिस्प्लेसमेंट का ग्रेडियंट बढ़ रहा है ठीक है तो आई हैव नो इश्यूज कि यहाँ तक तो बात ठीक है कि दिस इज़ इंक्रीजिंग ग्रेडियंट और अगर आप इस रीजन को देखें तो यहाँ पर विलासिटी इंक्रीज कर रही है तो डेट्स फेयर इनफ कि यहाँ पर विलासिटी बढ़ रही है तो यहाँ पर ग्रेडियंट भी बढ़ रहा है ठीक है अच्छा अच्छा बी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहां पर वेलोसिटी बढ़ रही है जबकि यहां डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ रहा, लेकिन रहा, तो रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट का ग्रेडियंट कम हो रहा है यानी तो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा रहा है 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 कि वेलोसिटी कम कम हो हो रही क्योंकि ग्रेडियंट तो बी कैन नॉट बी दी ऑप्शन तो हमने वैसे डिसाइड कर लिया है कि अभी बी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता अच्छा सी पे बात करें तो सी भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि सी में भी आप देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ रहा है लेकिन ग्रेडियंट कम हो रहा है हालांकि ग्रेडियंट बढ़ना चाहिए क्यों क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ रही है जब वेलोसिटी बढ़े तो उसका बढ़ना चाहिए यानी ये स्केच यू होना चाहिए था तो बी भी नहीं हो सकता सी भी नहीं हो सकता हाँ डी हो सकता है क्योंकि आप देख सकते हैं डी का भी जो पहला हिस्सा है वो बिल्कुल ऐसा ही बना है कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है और साथ साथ ग्रेडियंट की वैल्यू भी बढ़ रही है अच्छा ग्रेडियंट की वैल्यू बढ़ तो रही है लेकिन थ्रू आउट नहीं बढ़ रही है आप देखिए यहाँ पे बढ़ा फिर ग्रेडियंट कम होना शुरू हो गया हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि वेलोसिटी तो थ्रू आउट ही बढ़ रही है तो जो स्मार्ट बच्चा होगा ना वो सिर्फ पहला ही देख के बता देगा कि भाई बी भी नहीं हो सकता सी भी नहीं हो सकता डी भी नहीं हो सकता क्योंकि बी और सी तो इसलिए नहीं हो सकते कि यहाँ पर ग्रेडियंट की वैल्यू कम हो रही है यहाँ पे भी कम हो रही है हालांकि वेलोसिटी बढ़ रही है तो जब वेलोसिटी बढ़े ना तो ग्रेडियंट बढ़ना चाहिए डिस्प्लेसमेंट टाइम का अच्छा यहाँ शुरू में तो ग्रेडियंट बढ़ रहा है लेकिन आगे जाके फिर ग्रेडियंट कम होना शुरू हो गया तो ये जो ये वाला हिस्सा था ना इसने हमें यहाँ पर मजबूर कर दिया कि डी भी गलत है बी भी गलत है सी भी गलत है तो हमने वैसे ही पकड़ लिया कि भाई ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन लेकिन अब जब कूदें तो सही से कूदते हैं सही से ज़रा सीख ही लेते हैं सवाल में और भी चीज़ें ज़रा देखते हैं आखिर तक क्या ए वाकई हर जगह पे सही है तो आइए ज़रा देखते हैं क्योंकि हमारे यहाँ रोंग चारों रॉन्ग तो हो नहीं सकते ना एक करेक्ट होना ज़रूरी है तो अगर एक अभी शुरू में ही करेक्ट है तो वो एंड तक करेक्ट होगा लेट से देखते हैं अब इधर है यहाँ पे वेलोसिटी कम हो रही है वेलोसिटी कम हो तो ग्रेडियंट कम होना चाहिए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रेडियंट की वैल्यू कम हो रही है तो भाई यहाँ पे डिक्रीजिंग ग्रेडियंट है यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है समझ रहे ना आप कि भाई जहाँ वेलोसिटी कम हो वहाँ ग्रेडियंट कम होना चाहिए सो फार सो गुड अच्छा यहाँ पे आप देखो वेलोसिटी हो गई जीरो अगर आप यहाँ पे इस पॉइंट पे ग्रेडियंट निकालोगे ना बिल्कुल सेंटर पे तो आप टेंजेंट बनाओगे हॉरिजॉन्टल लाइन ग्रेडियंट आएगा जीरो तो इवन ये वाली बात भी बिल्कुल सही सा साबित हो रही है यहाँ पे कि यहाँ पे ग्रेडियंट जीरो है यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रेडियंट जीरो है तो यहाँ पे वेलोसिटी भी जीरो है अब क्या हुआ आप देखो वेलोसिटी नेगेटिव हुई डिस्प्लेसमेंट कम होना शुरू हो गया वेलोसिटी नेगेटिव हुई तो डिस्प्लेसमेंट क्या होना शुरू हो गया कम होना शुरू हो गया अच्छा इवन देखो वेलोसिटी बढ़ रही है मैंने क्या बोला था आई डोंट केयर वेलोसिटी बढ़े या कम हो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि अगर वेलोसिटी नेगेटिव है ना नेगेटिव में है ना वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट कम ही होगा हाँ फर्क क्या है कि देखिए यहाँ पे मोर नेगेटिव से ज़ीरो हो रहा है ग्रेडियंट तो आपने वेलोसिटी की वैल्यू मोर ज़ीरो से मोर क्या कहते हैं मोर नेगेटिव से जीरो हो रही है आप देखो यहाँ पे वेलोसिटी मोर नेगेटिव थी यहाँ पे फिर ज़ीरो हो गई ठीक है तो हमारा जो सॉरी उल्टा बोल रहा हूं यहां पे वेलोसिटी जीरो थी और फिर मोर नेगेटिव हो गई तो मेरे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को भी देखें पहले ज़ीरो था और फिर ये मोर नेगेटिव हो गया ठीक है तो ये भी बिल्कुल सही हिस्सा बन रहा है अच्छा यहाँ तक कि इवन अगर आप इसको देखो ना तो यहाँ पे पहले वेलोसिटी मोर नेगेटिव थी फिर यहाँ तक कि ज़ीरो हो गई तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का भी ग्रेडियंट मोर नेगेटिव था और फिर क्या हो गया ज़ीरो हो गया तो बताने का मकसद ये कि आप किसी भी एंगल से चेक कर लो जो ए है ना वो बिल्कुल परफेक्ट स्केच है या कोरस्पॉन्डिंग स्केच है इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का सही है बाकी बी की खराबियां आपको वैसे ही बता देते हैं कि भाई बी में सबसे पहले तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ग्रेडियंट ज़ीरो नहीं है जबकि मुझे इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो चाहिए वेलोसिटी ज़ीरो का मतलब मुझे ग्रेडियंट जीरो चाहिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम बी को गलत ऑप्शन मानेंगे तो हमारा बी रॉन्ग आंसर है अच्छा इसके अलावा अगर आप सी को देख लो तो वही वाली बात है यार

एग्जाम में तो आप बस एक मिस्टेक पकड़ो और उस ऑप्शन को एलिमिनेट करो बट जो आपको करेक्ट ऑप्शन लगता है ना मैं उसके बारे में बोलूंगा कि उसको एंड तक जांचो उसमें हर एंगल से चेक करो कि यार वाकई क्या कि किसी मतलब कभी ग्रेडेंड निकालो कभी कुछ निकालो कभी कुछ निकालो देखो जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या वो ग्राफ आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है या नहीं है अच्छा जी आगे चलते हैं एक और एम सी क्यू हमारे सामने आ चुका है यहाँ पे हमें अब की बार एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गवे ने और हमसे कहा जा रहा है कि जी आप इसका कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकाल के दे दें ठीक है जी तो आइए ज़रा इनकी इस ख्वाहिश को भी पूरा करने की कोशिश करते हैं तो एक्सेलरेशन आप देख सकते हैं शुरू में बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है फिर जिस रेट से बढ़ रहा था वो रेट कम हो रहा है फिर एक्सेलरेशन कम होता गया यहाँ तक कि वापस एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गई ठीक है तो अब इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा देखिए सबसे आसान तरीका मैंने क्या कहा सबसे पहले तो जो चार हिस्से हैं उनको तोड़ लो ठीक है ताकि आपके लिए काम आसान हो जाए अब वन बाय वन एक छोटे छोटे पोर्शन को उठा के देखें आप ठीक है जैसे सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं वैसे ही देख के बता सकता हूं कि मेरा एक करेक्ट आंसर है अब आप बोलोगे कैसे आइए जरा मैं आपको समझाता हूं देखें सबसे पहले आप इस पोर्शन को गौर करें ये वाला जो आपका रीजन है ठीक है ना ये आप देख सकते हैं जो मैंने अभी अभी मार्क किया है ना रेड कलर से ये वाला रीजन यहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ रही है लीनियरली बढ़े नॉन लीनियरली बढ़े एक बात तो तय ना कि एक्सेलरेशन बढ़ रहा है जब एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट बढ़ना चाहिए तो आप देखें यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट बढ़ रहा है तो यहाँ तक तो ए करेक्ट ऑप्शन है अच्छा वैसे तो खैर आप बी के बारे में भी कह सकते हो कि यार एक्सेलेशन ग्राफ का ग्रेडियंट तो बढ़ ही रहा है ना तो अभी किसी हद तक आप बोल सकते हो आप बी भी करेक्ट आंसर डी भी करेक्ट आंसर हो सकता है क्योंकि यहाँ पे भी ग्रेडियंट बढ़ रहा है वेलोसिटी का यहाँ पे तो वेलोसिटी का ग्रेडियंट कम हो रहा है तो सी तो हो ही नहीं सकता तो अभी हमने सी एलिमिनेट किया थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इधर आए यहाँ पे भी एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ रही है भाई इंक्रीजिंग रेट से बढ़े या डिक्रीजिंग रेट से बढ़े आई डोंट केयर व्हाट इज इंपॉर्टेंट इसके एक्सेलरेशन बढ़ रहा है ना जब एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो ग्रेडियंट और बढ़ना चाहिए तो आप ये देखो अभी भी ग्रेडियंट बढ़ ही रहा है यहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने इस रीजन पे यहां तक तो ये सही आए थे बी में यहाँ पे इन्होंने ग्रेडियंट कम करना शुरू कर दिया ग्रेडियंट कम करने का मतलब होता है आप कह रहे हो एक्सेलरेशन कम हो रही है हालांकि हमारे पास एक्सेलरेशन कम नहीं हो रही है हमारे पास एक्सेलरेशन बढ़ रही है तो इसका मतलब अब बी की भी छुट्टी हो गई और सी की भी छुट्टी हो गई अच्छा डी अभी तक मैदान में चल रहा है डी किसने मैदान में चल रहा है कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी में कह सकते हो किसी हद तक अभी भी ग्रेडियंट की वैल्यू बढ़ ही रही है तो अभी तक यहाँ तक का तो रीजन में ए और डी दोनों मुकाबला है, दोनों ही करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं अब यहां पे देखिए ट्विस्ट आएगा यहां पे एक्सेलरेशन हो रही है कम अगेन आई डोंट केयर इंक्रीजिंग रेट है डिक्रीजिंग रेट है भाई एक्सेलरेशन तो खुला नजर आ रहा है ना कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कम हो रही है ग्राफ ही एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है जिसमें नजर आ रहा है कोई अंधा थोड़ी है कि भाई एक्सेलरेशन नजर आ रहा है ना कि एक्सेलरेशन कम हो रही है एक्सेलरेशन कम होगी तो आपका ग्रेडियंट क्या होना चाहिए कम होना चाहिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ठक करके विलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट कम होना शुरू हो गया जबकि यहाँ पे अभी भी ग्रेडियंट बढ़ रहा है तो डी इज़ द रॉन्ग आंसर यहाँ पे ग्रेडियंट कम करना था अभी दोबारा एक्सेलरेशन और कम हो रहा है ग्रेडियंट और कम होना चाहिए यहाँ पे ग्रेडियंट बढ़े ही जा रहा है तो ये वाला जो हिस्सा था ना इसने हमें मरवा दिया तो मैं यहाँ पे अब इसको मार्क करना शुरू करता हूँ वही देखो एक्सेलरेशन इंक्रीज़ कर रहा था एक्सेलरेशन इनक्रीज़ करेगा तो ग्रेडियंट को बढ़ना चाहिए था एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट ही एक्सेलरेशन बताता है ना तो यहां पे ग्रेडियंट को डिक्रीज करना चाहिए ठीक है जी तो बी तो यहीं से गलत होना शुरू हो गया और उसके बाद के भी मामला गलत हैं क्योंकि देखिए आप एक और चीज यहां पर ऑब्जर्व करें सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं समझा रहा हूं यहाँ पर कि आप देखो यहां पर आपका एक्सेलरेशन कम हो रहा है लेकिन है तो पॉजिटिव ना देखिए एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव बना तो वेलोसिटी कम नहीं हो सकती ये जो इन्होंने हरकत की ना उन्होंने वेलोसिटी कम होते हुए दिखा दी है तो ये भी एक बी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसकी वजह से बी इज द रॉन्ग आंसर तो वेलोसिटी कैन नॉट डिक्रीज़ फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन तो न्यूमरस वेज वेर यू कैन रियली चेक आउट तो यहाँ पर तो ग्रेडियंट डिक्रीज होता हुआ नजर आया तो वैसे ही ये पूरा ग्राफी गलत है हमारा तो सी इज़ द रॉन्ग ऑप्शन बाकी डी शुरू तक तो सही जा रहा था आखिर में दो जगह पर यहाँ पर जो हमने ग्रेडियंट को डिक्रीज करते हुए दिखाना था यहाँ पर इन्होंने ग्रेडियंट को इंक्रीज होते हुए दिखा दिया तो डी cannot be the correct option. चले जी एक और पाँच चेपर का मजे का एम नजर आया ऐसे आपको मुश्किल से पाँच छः क्वेश्चन ही मिलेंगे लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये एम सी क्यू जबरदस्त हैं ठीक है अच्छा कुछ लोग यार डायरेक्ट साइन कॉज का डेरेवेटिव निकाल लेते हैं इंटीग्रेट कर लेते हैं तो वैसे भी आप कर सकते हो जिनको जिन्होंने थोड़ी सी आ, ये वाले मैथमेटिक्स पढ़ी हुई है बट क्योंकि मैं ये जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ ग्रेडियंट की फॉर्म में ही एक्सप्लेन करूँगा बिकॉज क्योंकि अच्छे खासे प्री मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको तो ये बात नहीं पता होता कि साइन के डेरेवेटिव कॉस है या कॉज का डेरेवेटिव माइनस

मुझे कैसे पता लगेगा कि भाई कौन सा आंसर करेक्ट है कौन सा आंसर गलत है तो आइए ज़रा इस पर एनालिसिस करते हैं इसके इसी तरह से चार इससे कंटिन्यूसली तोड़ देते हैं और हर पोर्शन को वन बाय वन ज़रा समझने की कोशिश करते हैं ठीक है देखिए ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है शुरू में इसका ग्रेडियंट क्या है ज़ीरो है अगर आप यहाँ पर टेंजेंट बनाएंगे ना तो एक हॉरिजोटल लाइन बनेगा जिसका ग्रेडियंट जीरो आएगा यानी इनिशियल विलॉसिटी आपकी क्या होनी चाहिए आपकी इनिशियल वलॉसिटी ज़ीरो होनी चाहिए तो इनिशियल वलॉसिटी यहाँ पर तो ज़ीरो है यहाँ पर भी जीरो है यहाँ पर भी जीरो है यहाँ पर तो ज़ीरो है ही नहीं तो बी सबसे पहले एलिमिनेट हो जाएगा ठीक है जी तो बी तो फारिग हो गया अच्छा आगे ज़रा चलते हैं अब देखो आपका जो डिस्प्लेसमेंट का ग्रेडियंट है ना वो बढ़ रहा है जब आपके डिस्प्लेसमेंट का ग्रेडियंट बढ़ रहा हो तो क्या होना चाहिए जब आपके डिस्प्लेसमेंट का ग्रेडियंट बढ़ रहा हो और ग्रेडियंट पॉजिटिव हो तो आपकी वेलोसिटी भी क्या होनी चाहिए पॉजिटिव होनी चाहिए ठीक है तो सबसे पहली बात तो आप ये देख लो कि यहाँ पे ग्रेडियंट आपका क्या है पॉजिटिव तो वेलोसिटी भी क्या होगी पॉजिटिव तो अब अगर हम यहाँ पर देखना चाहें तो हम देखेंगे कि भाई शुरू तक तो हालात ठीक हैं लेकिन जब आप इस पॉइंट पर पहुँचे ज़रा समझिएगा मेरी बात को जब आप इस पॉइंट पर पहुँचें तो आपका ग्रेडियंट क्या है पॉजिटिव आप देख सकते हो ना डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है तो ग्रेडियंट पॉजिटिव का मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव होनी चाहिए आप देखो आपने यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव दिखाई है लेकिन यहाँ पे तो आपने वेलोसिटी जीरो दिखा दी है तो बी की तो वैसी छुट्टी हुई हुई थी अभी दोबारा छुट्टी हो गई अच्छा अब यहाँ पे सी की भी छुट्टी हो गई क्यों क्योंकि यहाँ पे सी की विलासिटी जीरो दिखाई हुई है देखिए वलॉसिटी जीरो नहीं है इस पॉइंट पर ग्रेडियंट जीरो नहीं है तो आपने विलासिटी को जीरो कैसे दिखाया तो सी भी फारिग हो गया यहाँ पे अच्छा अभी ये कि स्टिल बी डी जो है ना वो गेम में इन है तो अब या तो आंसर ए है या तो डी है ठीक है जी आइए ज़रा देखते हैं अच्छा ग्रेडियंट इस पॉइंट पर आके ज़ीरो हो गया इस पॉइंट पर ग्रेडियंट जीरो हो गया जब इस पॉइंट पर ग्रेडियंट जीरो हुआ ना तो हमारा ए में भी आप देख सकते हैं वेलोसिटी जीरो ही शो हो रहा है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए आपका ग्रेडियंट ही जीरो होता है आ, का ग्रेडियंट ही वेलोसिटी बताता है अच्छा अगर आप बी की बात करो तो बी पर अगर आप इस पॉइंट को एनालाइज करो तो दिस इज़ द पॉइंट भैया इन्होंने वेलोसिटी नेगेटिव दी हुई है तो वेलोसिटी नेगेटिव नहीं ने वेलोसिटी जीरो है तो बी इज़ द रॉन्ग ऑप्शन अच्छा सी अभी भी फुल कॉम्पिटिशन में चल रहा है लेकिन सी में क्योंकि ऑलरेडी ये गलती आ चुकी है तो सी वैसे ही हमारा एलिमिनेट हो चुका है बट यहाँ पर ये वाली चीज़ सही है कि डिसप्लेसमेंट का जो ग्रेडियंट है ना वो ज़ीरो है तो यहाँ पर विलासिटी जीरो ही होना चाहिए ठीक है और यहाँ पर इन्होंने भी विलासिटी डी की ज़ीरो दिखाई हुई है ठीक है अच्छा जी अब आगे बढ़ते हैं देखें ये पॉइंट आप चेक करें आपका ग्रेडियंट इस पॉइंट पर नेगेटिव है वो बहुत सारे तरीके हैं आप इन स्केचेस को भी वन बाय वन रीड कर सकते हो मैं अभी सिर्फ डिफरेंट पॉइंट्स में ग्रेडियंट ही निकाल लूंगा तो मुझे विलॉसिटी मिल जाएगी अगर इस पॉइंट पर आप देखो तो आप देखो डिसप्लेसमेंट कम हो रहा है डिस्प्लेसमेंट कम होने का मतलब ग्रेडियंट नेगेटिव होगा ग्रेडियंट नेगेटिव होने का मतलब वेलोसिटी नेगेटिव होगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट ही वेलोसिटी बताता है तो आप देखिए इन्होंने वेलोसिटी को यहाँ पर नेगेटिव शो किया हुआ है तो ए तो बिल्कुल मस्त ज़बरदस्त जा रहा है यहाँ पे इन्होंने ज़ीरो शो कर दिया बी इज़ द रॉन्ग आंसर ए सी इज़ ज़ीरो ये भी रॉन्ग आंसर अब यहाँ पे डी भी गलत हो गया तो डी की पहली गलती पकड़ी गई हमें डी में प्रॉब्लम क्या है कि इन्होंने यहाँ पर ग्रेडियंट को सूला नेगेटिव होना चाहिए था तो विलासिटी यहाँ पे उसीूला नेगेटिव होनी चाहिए थी बट इन्होंने विलासिटी पॉजिटिव दे दिया ठीक है जी लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं फिर कब ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो गया हॉरिजॉन्टल हो गया तो ग्रेडियंट ज़ीरो हो जाएगा ग्रेडियंट ज़ीरो का मतलब विलासिटी जीरो तो ये हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग स्केचेज़ हैं तो ए का मैंने डिफरेंट पॉइंट पे ग्रेडियंट निकाला है और उसके बाद जब मैंने उसका कॉरेस्पॉन्डिंग स्केच निकाला विलोसिटी का तो वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आ रहा है तो बिना किसी डर के ए इज़ द करेक्ट आंसर आप बहुत आसानी से बहुत जल्दी जल्दी भी निकाल सकते हो यार जिनको पता है कि दिस इज़ माइनस कॉस का ग्राफ अब वो उसको डिफ्रेंश कर दें तो उनका आंसर वैसे ही साइन आ जाएगा विच इज दिस आंसर बट जिनकी ये साइन कॉज वाली ग्राफ्स की मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है वो इस तरह से आसानी से विजुलाइज कर सकते हैं और करेक्ट ऑप्शन तक पहुँच सकते हैं इस तरह का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जैसे यहाँ पर आ जाए मैं दोबारा इसको डिफरेंट पॉइंट्स में तोड़ देता हूँ और वन बाय वन ज़रा इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं भाई वेलोसिटी बढ़ रही है मुझे चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी ग्राफ तो दिया हुआ है मुझे कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ चाहिए जब वेलोसिटी बढ़े तब ग्रेडियंट बढ़ना चाहिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेडियंट बढ़ रहा है यहाँ पे ग्रेडियंट तो खैर जीरो हो गया तो ये तो डिस्प्लेसमेंट टाइम पॉसिबल नहीं है सी अभी भी पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे भी हमें ग्रेडियंट बढ़ता हुआ ही नज़र आ रहा है डी अगेन पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर विलासिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट कॉन्स्टेंट है तो इसका मतलब अगर वेलोसिटी टाइम सॉरी अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो उसूलन इसका ग्रेडियंट इंक्रीज़ करना चाहिए जबकि यहाँ पर टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट इंक्रीज नहीं कर रहा बल्कि एक स्ट्रेट लाइन है ठीक है अच्छा अब आगे बढ़ते हैं भाई देखो यहाँ पे वेलोसिटी है आपकी कांस्टेंट है जब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है ना तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट होना चाहिए कांस्टेंट ठीक है तो ठीक है ए एज फाइन स्ट्रेट लाइन है मतलब ग्रेडियंट कांस्टेंट है अच्छा बी की बात करूँ तो खैर उन्होंने तो जीरो ही ग्रेडियंट दिखा दिया तो फिर से बी फारिग हो जाएगा Uh, अगर मैं सी की बात करूं तो इन्होंने यहाँ पे एक ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन ही बना रखी है तो डेट्स फेयर इनफ ठीक है अच्छा अगर मैं डी की बात करूँ तो इन्होंने भी स्ट्रेट लाइन बनाया हुआ विथ पॉजिटिव ग्रेडियंट तो अभी तक हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं अभी तक हमारे पास बी और डी एलिमिनेट हो चुका है जंग ये है कि ए और सी में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है तो आगे बढ़ते हैं अगर हम आगे बढ़ेंगे तो अब यहाँ पे ए एलिमिनेट होगा देखिए ए क्यों एलिमिनेट होगा वेलोसिटी भले कम हो रही है लेकिन है तो पॉजिटिव ना अगर पॉजिटिव है तो डिसप्लेसमेंट फर्दर बढ़ेगा डिसप्लेसमेंट कम नहीं हो सकता इन्होंने क्या किया इन्होंने डिस्प्लेसमेंट कम होता हुआ दिखा दिया ठीक है तो यहां पर आ गया फटा डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट डिक्रीज फॉर पॉजिटिव ठीक है बाकी अगर हम नीचे आ जाए तो खैर आई जी बेतुकी तो सी बात है अगेन ग्रेडियंट जीरो है तो वेलोसिटी जीरो है तो बी तो बिल्कुल नहीं हो सकता अगर आप सी को देखो तो देखो वेलोसिटी कम हो रही है ना तो इन्होंने ग्रेडियंट कम होता हुआ दिखाया है ठीक है दैट्स फेयर इनफ वेलोसिटी पॉजिटिव है तो इन्होंने डिस्प्लेसमेंट बढ़ता हुआ ही दिखाया है लेकिन ग्रेडियंट कम होता हुआ दिखाया है तो सी के जो सारे हिस्से हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं डी उसके बाद दोबारा इन्होंने कॉन्स्टेंट ग्रेडियंट दिखा दिया विच इज़ नॉट द केस हमारी वेलोसिटी कॉन्सटेंट नहीं है हमारी वेलोसिटी कम हो रही है तो डी ए बी सी डी में ए में ये वाले हिस्से की वजह से ए एलिमिनेट हो गया बी तो खैर तीनों ही पार्ट गलत थे और डी का आखिरी वाला पार्ट गलत था तो फाइनली सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन ठीक है तो आई होप कि ये पासिफर क्वेश्चन ने आपको यकीन बहुत ज़्यादा हेल्प किया होगा इन कॉन्सेप्ट को फर्दर अंडरस्टैंड करने में तो यहाँ पर आके हमारा अच्छा खासा एनालिसिस स्केचेस uh, का कंप्लीट होता है अब हम मूव करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी के कैल्कुलेशन की तरफ उसकी अंडरस्टैंडिंग की तरफ और फिर सबसे बढ़कर उसके रेलिवेंट स्केचेस को हमें स्केच करना होगा मतलब उसे प्लॉट करना होगा उसको बनाना होगा तो अभी बहुत मजे मजे के कैनामेटिक्स के लेक्चर्स बाकी हैं स्टेट यून और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं इफ यू रियली लाइक द लेक्चर और नॉट थैंक यू वेरी मच अल्लाह